हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नीचे बेल नोटिफिकेशन हिट कर दें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वेल, आज का मौसम बहुत ही ब्यूटीफुल है क्योंकि रात को हुई थी बारिश और उसकी वजह से बहुत सुंदर वेदर बना हुआ है। इनफैक्ट कॉमेंट सेक्शन में मुझे मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने कल अपनी अपनी सिटी के हालचाल भी बताए, तो ये जान के मुझे अच्छा लगा कि मैक्सिमम सिटी में कल बारिश हुई है जिसकी वजह से ठंडक पहुंच चुकी है। लेकिन उस ठंडक के बाद एक गर्म करने वाली खबर मेरे सामने आई है। बहुत दिन से मेरे पास काफी सारे स्क्रीनशॉट आ रहे थे इस टॉपिक को लेके और बसंती के टॉपिक को भी लेके और रवीना के टॉपिक को भी लेके, रवीना के पास से रिलेटेड चीजें और बसंती के प्रेजेंट में जो हो रही है वो चीजें। फिलहाल उन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसलिए वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना एंड स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप लोग जब स्किप करते हैं उसके बाद आधी अधूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट्स करते हैं तो खुद भी कंफ्यूज होते हैं और मुझे फिर एक एक को जो है वो क्लेरिफिकेशन देना पड़ता है। तो इससे अच्छा यही होता है कि आप शुरू से एंड तक वीडियो को पूरा देखा करो, फिर आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। तो रवीना को लेकर किसी से भी बोलते हैं ना, देखा नहीं जा रहा है रवीना और ललित की खुशी। देखिए, जब मियां बीवी राजी और माता पिता को कोई समस्या या परेशानी नहीं है तो ये कौन लोग हैं जो आए दिन रवीना के बारे में तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह की रूमर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। उस बंदी ने जब पहला वीडियो डाला था तो अपनी शादी का सिर्फ ये बताने की कोशिश की थी ऑडियंस को कि वो किसी भी गलत तरीके के रिलेशनशिप के अंदर नहीं है, वो एक लीगल और एक पवित्र रिलेशनशिप के अंदर है जो एक हस्बैंड वाइफ का होता है। सिर्फ इतनी सी बात पे कुछ लोगों को इतनी मिर्ची लग गई कि वो खुद ही ललित के माता पिता बनने लग गए और ऐसे बिहेव करने लगे जैसे कि उनके घर के बेटे या उनके घर की बेटी ने ऐसा कुछ कर लिया हो। जब उनकी मम्मी को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी मम्मी ने कई बार वीडियो में आके बोला मैं तो शादी के लिए तैयार हूँ, कोई किसी को भगा के ले आए, कुछ भी आ जाए, मुझे किसी कास्ट क्रीड इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। तो जब उनकी माता इतने खुले में बोल चुकी हैं तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम क्यों हो रही है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि अपनी लास्ट वीडियो में उनकी मम्मी ने 3-4 पॉइंट्स ऐसे बोले जिसकी वजह से बहुत सारे सब्सक्राइबर को ऐसा लगा कि वो दिल से बहुत दुखी हैं लेकिन चेहरे से खुश हो रही हैं। देखिए, जब बच्चे माँ बाप की अगेंस्ट कुछ भी चीजें करते हैं तो शुरुआती दिनों में माता पिता को भी उन चीजों को एडजस्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता कि माता पिता अपने बच्चे से नफरत करते हैं या अपने बच्चे का कभी भी बुरा चाहेंगे। थोड़ा सा झटका लगता है लेकिन समय के साथ साथ वो चीजें सही हो जाती हैं। लेकिन जिस तरीके की बद्दुआ आप उनके बच्चों को दे रहे हो, उनके बेटे बहू को दे रहे हो, आई एम श्योर कि ये बद्दुआ तो एक माँ को भी अच्छी नहीं लग रही होंगी, अनीता जी को भी अच्छी नहीं लग रही होंगी कि आप उनके बेटे को कोस रहे हो, उनकी बहू को कोस रहे हो। इनफैक्ट उन्होंने अपनी लास्ट टू लास्ट वीडियो में उनकी बहू की बॉडी शेमिंग करते हुए एक कॉमेंट आया था जिसपे उन्होंने जवाब दिया था कि भैया जैसी भी है मेरी बहू है, लेकिन उसके बाद भी चीजें रुकी नहीं। और एक कमेंट ऐसा आया जिस कमेंट की वजह से रवीना का एक अलग ही इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो ये कमेंट करने आते हैं, जो कोई कहता है मैं किसी का दोस्त, मैं किसी का फ्रेंड, मैं किसी का पड़ोसी, मैं किसी का रिश्तेदार, इनका मोटिव ऐसे कमेंट्स करने का पर्सनल हार्म करना ही तो होता है, एक तरीके से डिफेम करना ही तो होता है। क्योंकि एक नॉर्मल ऑडियंस, एक नॉर्मल सब्सक्राइबर, आप मैं या कोई भी कभी भी किसी का पर्सनल डिफेम करने नहीं जाएगा। हम एक व्यूअर है, हमें कोई अच्छा लगेगा तो हम ये बोल देंगे अरे आप हमें अच्छे लग रहे हो, बुरा लगेगा तो हम ये बोल देंगे आप हमें अच्छे नहीं लग रहे हो, आप हमें बुरे लग रहे हो, लेकिन हम लोग कभी कहानी नहीं क्रिएट करेंगे। तो जो ये कहानी क्रिएट करने वाले होते हैं ना, ये डेफिनेटली कोई नियर बाय ही होते हैं जिनका मोटिव ये होता है कि किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पे डिफेमेशन हो जाए और फिर बंदा डर जाए, घबरा जाए और अपने इस टॉपिक को यहीं पे दी एंड कर दे और पीछे खिसक जाए। कुछ ऐसा ही आजकल रवीना के साथ प्लान किया जा रहा है क्योंकि रवीना अभी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया को जानती नहीं है। मैंने उनकी एक दो व्लॉग्स देखे जिसमें मुझे ये देख के आराम से पता चल रहा है कि वो अभी ना तो इतना कैमरा फ्रेंडली है, ना ही अभी उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि वो ऑन कैमरा अपनी कोई बात बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन फ्रंट पे रख सके। उनकी वीडियो में बहुत सारे कट होते क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता होता कि एक लाइन के बाद वो दूसरी लाइन क्या बोले। यहां से हमें उनका एक्सपीरियंस पता चलता है और यहां से ये भी पता चलता है कि वो अभी व्लॉगिंग के लिए फिट नहीं है और ना ही वो किसी कॉन्ट्रोवर्सी में पढ़ना चाहती, क्योंकि क्लेरिफिकेशन देने के लिए भी इंसान के अंदर वो वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए। भले ही वो कॉन्फिडेंस ऑफ कैमरा उनके अंदर होगा लेकिन वीडियो में वो दिखता है, लेकिन उसके बाद भी उसको हर तरीके से गिराने की कोशिश की जा रही है। जब बात उसकी बॉडी शेमिंग से नहीं बनी,
क्या क्या हद तक उसकी बॉडी शेमिंग हुई है, मतलब कितना गिर सकते हैं लोग, किस लेवल की लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, मतलब हैरानी होती है। जिन लोगों को लिखना आता है दैट मीन्स कि वो एक पढ़ी लिखी जनता है, और एक पढ़ी लिखी जनता होने के बाद अगर आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं किसी की बेटी के लिए बिना ये सोचे हुए कि आपके घर में भी बेटियां होंगी, आप भी किसी की बेटी होंगे या आप भी किसी की बेटी को लेके आओगे, उसके बाद आप दूसरे की बेटी को इस तरीके से ट्रॉल करने का हद पार कर रहे हो, क्योंकि जानते हैं कि वो व्लॉगिंग नहीं करती है, जो बंदा नहीं करता है उसको चीजें बुरी लगती हैं, पिंच करती हैं, इससे क्या होगा, ललित और रवीना की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होगी, वो कमेंट्स पढ़ेगी, ललित से डिस्कस करेगी, ललित शायद इस चीजों के लिए एक्सपीरियंस होगा क्योंकि उनकी मम्मी व्लॉगिंग करती है तो बच्चे एक्सपीरियंस होंगे, लेकिन उसको ये चीजें इम्पैक्ट कर रही होंगी। पहले उनके रिलेशनशिप को गंदा करने की पूरी कोशिश की गई, उसको डेटिंग बताया गया, लिव इन रिलेशनशिप बताया गया, एक इनवैलिड रिश्ता बताया गया, मैं वो टर्म यूज नहीं करना चाहती जो ऐसे रिश्तों के लिए बना है, वो प्रूव करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से उसे आके कम से कम ये बताना पड़ा कि भैया मेरी शादी जो है वो जेन्युइन है, इस शादी को गलत नाम मत दो। उसके बाद उसकी बॉडी पे बात आने लगी, उसकी बॉडी शेमिंग, उसके नाक नक्शा, ये वो लालची है, पैसों के लिए ऐसा किया है, लड़का पटा लिया, सब्सक्राइबर थी, देखो कितना लंबा हाथ मारा, यहां तक भी वो साइलेंट है। पिछले 5-6 दिन से, जिस दिन से अनिता जी ने वीडियो डाली उस दिन से उसके लिए बहुत अनदर लेवल के कमेंट आ रहे हैं, दोनों के लिए इनफैक्ट, लेकिन दोनों ने कहीं पे भी रिएक्ट नहीं किया, वो चुप थे। तो इससे भी बात नहीं बनी कि अरे यार रिएक्शन नहीं आ रहा है, कुछ क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, मतलब दो चार लोग होते हैं ना, उनका मोटिव सिर्फ यही होता है कि सामने वाले को इस तरीके से पिन चुबाते रहे अंटिल अनलेस कि वो सामने से कुछ बोल ना दे और फिर उनको आ जाए मजे कि वाओ अब आया है मजा, सास बहू की लड़ाई देखने में बहुत मजा आएगा, जब तक शांत थे तब तक खाना हजम नहीं हो रहा था, अब बहुत मजा आएगा, आमने सामने की टक्कर होगी, इसके लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसके लिए सामने वाले की कितनी भी बेइज्जती, उसको कितना भी ट्रॉल कर सकते हैं बिना ये सोचे समझे कि तुम्हारी इन बातों का सामने वाले के दिल और दिमाग और उनके रिश्ते पे किस तरीके का असर पड़ सकता है ना। तो जब इन सब चीजों से बात नहीं चली तो एक फ्रेंड आती है रवीना की, उन फ्रेंड ने कमेंट किया था अनिता जी की वीडियो के नीचे। फिलहाल अगर आप वो कमेंट देखने जाएंगे तो शायद हो सकता है आपको वो कमेंट ना मिले, लेकिन वो कमेंट छोड़ के गई क्या बनके, रवीना की दोस्त बनके। और कमेंट क्या था मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे स्क्रीन पे लगा भी दूंगी, आप लोग आराम से पढ़िएगा। तो इन्होंने कमेंट में ये लिखा था, अनिता जी मैं खुद चंडीगढ़ से हूँ और रवीना को मैं अच्छे से जानती थी, मेरी कॉलेज फ्रेंड थी, रवीना ने पहले भी किसी से शादी कर रखी थी और आपके बेटे को जाल में फंसा ली है। अनिता जी ये चंडीगढ़ में रवीना के बारे में नहीं जानती, आप उससे पहले ही शादी करके डाइवोर्स ली थी और अब वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए आपके बेटे को जाल में फंसा ली है ललित को, मेरा मैसेज जरूर देखना अनिता जी। एक तरफ ये बोलती है कि मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ और मेरे कॉलेज में पढ़ती थी रवीना जी, दूसरी तरफ इनका जो लिखावट है वो बिल्कुल यूपी वालों की तरह है, क्योंकि जो यूपी वाले नहीं होंगे, नॉन यूपी होंगे, उन्हें लिखावट से पता चल जाता है कि यूपी वालों की किस तरीके से एक्सेंट होती है, किस तरीके से वो बात करते हैं। तो एक तरफ ये चंडीगढ़ से होने का दावा दे रही है, यानी कि एक पंजाबी लड़की, अब पंजाबी लड़की होने के बाद ये यूपी बिहार वाली लैंग्वेज बोल रही है, तो यहीं से पता चलता है, तो इस कमेंट की सच्चाई पता चलती है। और अनिता जी को आप क्या बता रहे हो, अनिता जी को क्या बता रहे हो, क्या अनिता जी को आपसे ज्यादा नहीं पता होगा या आपसे कम पता होगा, आपने उनके साथ कॉलेज में पढ़ा है लेकिन उनके बेटे ने शादी करी है, उस घर में उस घर की बेटी लेके आए, तो अनिता जी को आपसे कई ज्यादा पता होगा, आपको अनिता जी को इतनी इन्फॉर्मेशन देने की क्या पड़ी है। अनिता जी अपने आप में सक्षम है कि वो हर किसी की इन्फॉर्मेशन निकाल सकती है, आज वो इतनी सक्षम है, तो इनकी इन्फॉर्मेशन की मेरे ख्याल से अनिता जी को तो जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। तो अनिता जी का इतना कंसर्न है इन्हें कि अनिता जी की ही बहू को डाइवोर्सी तक बता रही है और ये भी बता रही है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बारे में ऑलरेडी रवीना अपने कई कमेंट्स में क्लियर कर चुकी हैं कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। अब कुछ लोगों का बोलना ये है कि नहीं नहीं वो झूठ बोल रही है, वो प्रेग्नेंट तो है क्योंकि वो हमेशा अपनी अपर बॉडी दिखाती है, कभी भी लोअर बॉडी नहीं दिखाती। तो इफ इन केस मान लेते हैं, पहले तो वो प्रेग्नेंट नहीं है, इस चीज को वो क्लियर कर चुकी है, और अगर वो प्रेग्नेंट है भी तो हाउ डज इट मैटर्स टू यू, क्या प्रॉब्लम है अगर वो प्रेग्नेंट है भी, कौन अपने इनिशियल डेज की प्रेगनेंसी शेयर करता है, क्या आप करते हैं? ऐसे बहुत सारे व्लॉगर हैं जो अपनी इनिशियल डेज की, इनिशियल मंथ्स की, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी छुपाते हैं। अब तो वो शादी में बंध चुकी है ना,
अब तो उसने शादी कर ली है, 8 महीने शादी को हो गए हैं, अब अगर वो प्रेग्नेंट भी हो गई है तो इसमें कोई भूचाल या कोई स्ट्रेंज या कोई शॉक वाली बात नहीं है, शादी के बाद ही हुई है, शादी से पहले होके नहीं आई थी। और जो भी ये बोल रहा है कि रवीना की जो है ये दूसरी शादी है, रवीना ने भी इस पोस्ट पे आके अपनी क्लेरिफिकेशन दी है, अपने बारे में ये क्लियर किया है कि जिन्होंने ये पोस्ट किया है ना तो वो उनकी फ्रेंड है ना ही कोई जानकार है, और जो इन्फॉर्मेशन उनके बारे में दी जा रही है वो सरासर एक फॉल्स नरेशन है, एक झूठी कहानी है। तो अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से रवीना को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, कि किसी भी तरीके से उसको इतना टारगेट कर लें कि उसका भी जो है पेशेंस लेवल खत्म हो जाए और फिर वो कुछ जवाब दे, और उसके जवाब में वहां से सास का कुछ जवाब है, और यहाँ पे हो जाए सास बहू का द्वंद और युद्ध। तो आप देख लीजिए किस लेवल तक चीजें जा रही हैं। वहीं पे लोग बहुत ज्यादा खुश हैं बसंती से, क्योंकि बसंती जी ने फाइनली अपने ससुर जी के लिए पैसे जमा कर करके कूलर खरीद लिया। वहीं पे जो एक्सपेक्टेशन अनीता जी से की जा रही थी कि अनीता जी को कुछ चीजें जो है हाउस होल्ड चीजें वो हेल्प करनी चाहिए अपने ससुर जी के लिए, उनकी हेल्थ में और जो घर की फैसिलिटी होती है, तो बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि जिन्होंने पानी तक का कनेक्शन नहीं दिया, पानी तक कट करके गई हैं, वो अपने ससुर जी के लिए कूलर क्या परचेज करेंगी। तो यस, बसंती ने कूलर लिया है, जो बहुत अच्छा लगा। जब इंसान तिनका तिनका जोड़ के कोई चीज खरीदता है वो भी अपनों के लिए, तो खुशी भी होती है और प्राउड भी होता है। तो यहाँ पे बसंती एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रही है उन तमाम बहुओं के लिए जिनके सास ससुर उनके साथ रहते हैं या जो नहीं भी रहते हैं, कि देखिए एक ये भी बहू है जो इतनी गरीब होने के बाद भी, हस्बैंड ना होने के बाद भी, 2 बच्चों की जिम्मेदारियां, व्लॉगिंग के पैसों से खेती बाड़ी धूप में काम करने के बाद अपना, अपने बच्चों का और अपने ससुर जी का ख्याल रख रही है। वहां पे कुछ लोगों का कहना ये भी है कि अभी अभी ससुर जी जो है वो बैंक में गए थे, पैसे लेके आए होंगे, पैसे निकाल के लाए होंगे। तो ये भी सबको पता है कि ससुर जी की कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, ससुर जी के पास जो पैसा था वो उनको बुढ़ापे की वृद्ध पेंशन मिलती है, और सब जानते होंगे कि वृद्ध पेंशन कितनी मिलती है, इतनी नहीं मिलती कि उसमें कोई 8-10 हजार की कोई चीज परचेज कर ले, है ना, उसमें किसी का कंट्रीब्यूशन भी जरूर होता है। तो उसने एटलीस्ट अपना कुछ कंट्रीब्यूशन तो दिखाया। सो यस, बसंती का ये जेस्चर सबको बहुत पसंद आया, बसंती की बहुत तारीफ हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अनीता जी को ऊट पटांग या गाली देना शुरू कर दे, या बसंती ने अनीता जी को गिराने के लिए चीजें करी हैं। उनके सास ससुर जी रहते हैं, अगर वो उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो यही ऑडियंस बसंती को फिर सुनाएगी कि आप अपने ससुर जी के लिए ये नहीं कर रहे हो, तो उनके पास जिम्मेदारी है जिसे उन्हें पूरा करना है। तो इसमें उनका मोटिव ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो अनीता जी को गिराना चाहते हैं या अनीता जी को नेगेटिव प्रूफ करना चाहते हैं, क्योंकि मैं अनीता जी के कमेंट सेक्शन में देख रही थी कि वहां पे कुछ लोग ये कह रहे थे कि बसंती आपको गलत प्रूफ करना चाहती है या ऐसा करना चाहती है। बसंती के साथ ससुर जी रहते हैं, उसको ना चाहते हुए भी उनकी जिम्मेदारी और उनकी सेवा करनी पड़ेगी। वहीं पे अनीता जी की अपनी चॉइस है, क्योंकि वो अलग रहती है, उनको फिर भी लोग इतना नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर बसंती ने उनकी सेवा पानी में थोड़ा भी ऊपर नीचे कर लिया तो बसंती को बहुत नेगेटिव जो है वो कमेंट बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं। तो मैंने सोचा आज इन सब चीजों के बारे में एक वीडियो बना देती हूँ, आप लोगों के बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।